तो भाई बच्चे मेहनत करते हैं तो क्यों करते हैं, और माँ बाप मेहनत करते हैं तो क्यों करते हैं, और बच्चों को मेहनत क्यों करनी चाहिए? आप उन्हें बताओ। मैं दिन रात मेहनत करते हैं, मैं आज गुस्से में बैठी हूँ इनसे, मैं यही कह रहे हैं कि भाई पढ़ लो पढ़ लो पढ़ लो। इनके समझ में नहीं आता, ये 24 घंटे कभी मेरा फोन उठा लेंगे, कभी नेट कनेक्ट कर लेंगे, कहीं कुछ कर लेंगे। तो बेटा लाइफ में मेहनत करनी है, क्योंकि जो जो गेम 17 साल तक कर लोगे, 17 से 25 साल सारी लाइफ बेटा करोगे, और नहीं तो मेरे जैसे कभी रोटी बनाओगे तो कभी बर्तन मांजोगे, सोच लो। इसीलिए माँ बाप अगर बताते हैं ना तो उसको मान लेना चाहिए, उस बात को मानना चाहिए, और मान के उसको ऊपर अमल करना चाहिए। अगर अमल करोगे ना तो वो लाइफ में बहुत आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आई बस नहीं, तुम्हें अभी दांत फाड़ रहे हो ना, तुम सोच रहे हो मम्मी सीरियस में बैठी है, मुझे बहुत गुस्सा आ रही है आज। मम्मी सीरियस में, मजाक में। मजाक में, मजाक में बैठी है ना, तो ऐसा मजाक में नहीं, हम लोग सीरियस मूड में हैं। क्यों? क्योंकि अरे बच्चे, मैंने तो कुछ क्योंकि नहीं बच्चे कर सफल कम से हो कम। गए ना बेटा, पता, बच्चे अगर सफल हो गए ना तो उसमें क्या है कि माँ बाप सफल हैं। अब लगाओ मेरी तो पढ़ते पढ़ते जॉब लग गई, पढ़ते पढ़ते जॉब लग गई, और आज की तारीख में बताओ इतनी सर्विस भी हो गई, जिंदगी में कभी 5 पैसे की तंगी नहीं हुई। और मैं यही चाहता हूँ कि तुम लोग भी पढ़ते पढ़ते सेट हो जाओ ना अपने, कुछ भी ऐसा कोई प्रोफेशन पकड़ लो जिससे क्या कहते हैं, मतलब जो तुम्हें अच्छा लगता हो, मैं नहीं कहता गवर्नमेंट जॉब, कुछ भी ऐसा पकड़ लो जिससे क्या है कि आप लोग सेट हो गए तो मतलब समझ लो करियर आपको बन गया। आई बात समझ में? इसलिए मेहनत करो पढ़ाई में। क्यों? क्योंकि पढ़ाई में अगर आप पसीना बहाओगे ना, पढ़ाई जब में से आप आए हो तब से इनकी पढ़ाइयाँ सब बंद है। मेरी दहशत थी तो ये रात में पढ़ लेते थे, अब पता है कि पापा तो खाने के लिए चाटने के लिए बाहर बुला ले जाएंगे। नहीं, मैंने पढ़ा था, अब जो है ना, अब मैंने मेरे को दोबारा थोड़े दिन पहले फाइल बनाई है, कल परसों। ये तो पढ़ लेता है, मैं इनकी, ये तो पढ़ता है जब से ये ट्यूशन, ये देर रात करता है, मतलब सुबह भी 5 बजे कभी कभी जगह। बोल रहा है तो और इनकी और करनी पड़ेगी क्लास, तो इसलिए भाई मोबाइल को पहले आप नहीं, तो 8-8, 10-10 बजे तक उठते हैं बिट्टू और ये 8-8, 10-10 बजे तक नहीं। अब अभी क्या है, अब मैं फिर वही पता है क्या, फिर बेकार में अम्मा कुछ बोलेंगे तो अच्छा नहीं लगता, तो इसलिए सिंपल सी बात है, तुम लोग पढ़ाई शुरू कर दो बेटा। अभी पता है माँ बाप जितना मेहनत करते हैं किस लिए करते हैं? सिर्फ इसलिए करते हैं ताकि बच्चे सेट हो जाए। ठीक है, अगर बच्चे सेट नहीं होते तो फिर वो जिंदगी में धक्का खाते हैं, और हमेशा हर चीज़ के लिए क्या है कि माँ बाप के ऊपर हाथ फैलाते हैं। तो इसलिए क्या है कि मेहनत करो, यहाँ फैलाएंगे इनके, अभी तो मैं दे भी रहे, फिर इनके ऊपर हाथ फैलाएंगे तो क्या मिलेगा, बतासा मिलेगा हाथ पे, ये सोच लेना। बतासा? अब सोच लो कि बतासा क्या होता है। बतासा अभी तो मैं कहते बेटा लो पैसे, चलो कोई कौन सा सफेद है। इसलिए दोस्तों आप सभी से मैं सारी पॉकेट मनी बंद कर, बच्चों को जो है ना, बच्चों को सिर्फ एक चीज की ओर अग्रसित कीजिए कि वो जो है ना वो ढंग से पढ़ाई करें, अपना ध्यान रखें, और माँ बाप के अपने सारे सपने पूरे करके ज़िंदगी में बहुत आगे बढ़े। और हम लोगों ने मतलब ये हमारे एक बैठे हुए एक बच्चे को समझा रहे थे, तो बच्चे वीडियो में नहीं आ रहे थे, हम आए हैं, तो भैया इस वीडियो को आपको अच्छा लगा हो तो भाई शेयर करो। दोस्तों आए नहीं आज, इनको पता है कि बनू नाराज बैठी हुई है, किस लिए बैठी है, क्योंकि माँ के आगे थोड़े बच्चे डरते हैं और पापा के आगे। अब जब से इनको समझ लो आज से 15 दिन हो गए, तब से ये मतलब टाइम टेबल, पहले इनका रूटीन था कि शाम को 8 से 10-11 बजे तक पढ़ना, अब ये मौज मस्ती करते, इसलिए मुझे गुस्सा आ रही है, तो इसलिए गुस्से में बैठी है। तो आज हमने बच्चों को समझा दिया है, और अगर बच्चों कहते ना बच्चों को मारो पीटो ना, बच्चों को समझा दो, समझाने से क्या कि बच्चे अच्छे समझते हैं, मारने पीटने से क्या बच्चे बिगड़ते हैं। तो इसलिए बच्चों को मारो पीटो ना, बच्चों को प्यार से समझा दो। तो वह एक छोटा सा वीडियो था हमारा फादर्स डे के उपलक्ष्य में, इसे अगर आपको लगता है कि हमारी बातें आपके समझ में आती हो तो भैया इसे लाइक करना, शेयर करना, और चैनल को सब्सक्राइब करना, अपना ध्यान रखना। जय भाई। दोस्तों ये हैं हमारे दो बालक जो कहते हैं ना, जिन्हें हम समझा रहे थे, ये वीडियो गेम खेल रहे थे, तो इस वजह से जो है ना थोड़ा सा इनको समझाना बनता था। तो आप बेटा लोग, आप लोग क्या चाहते हैं बता, क्या बनना चाहता है? नहीं, तेरे से पूछ रहे हैं भाई। मैं बनना चाहता हूँ बैडमिंटन प्लेयर। बैडमिंटन प्लेयर, अच्छा ठीक है। और आप क्या चाहते हो? करोड़पति बेटा। करोड़पति बनना, लेकिन कैसे बनोगे? किसी का डाका डाल लेंगे। नहीं, वो तो मजाक एक और होता है, बात बाकी बातें कुछ और होती हैं।
कैसे बनोगे? कुछ भी बन जाएंगे, आर्मी में चले जाएंगे। आर्मी में करोड़पति नहीं बनते बेटा, आर्मी में तो करोड़पति नहीं बनते। ये जाए आर्मी में जाएगा, कम से कम देश की सेवा तो करेगा। नहीं फिर तो कहते हैं कहते ना कि फिर तो घर परिवार दूर रहना पड़ता है। कोई बात नहीं, घर में क्या करेंगे भाई, जाएं ये कम से कम देश की सेवा करें। रोटी बनानी तो है, जब बूढ़े होंगे रोटी बना के भाई, रोटी आती है बनानी। नहीं नहीं, ये देश की सेवा करें, जाके घर में मैगी बनानी आती है, पॉपकॉर्न डाल के। तो भैया ये दो बच्चे थे जिनको हम समझा रहे थे, तीसरा तो समझा हुआ, वो तो पढ़ाई कर रहा है। और पढ़ाई कर रहा है ना, देख क्या पढ़ाई कितनी हो रही है। कल उनकी भी क्लास लेंगे। वो कल सुना, वो पूरी बैठा, 8-9 बजे उठा, नहाया, वहाँ पर जाके बैठ गया ऐसे करके पीछे और बोला चला लिया और पूरा उसमें 5-6 घंटे फोन चलाया ऐसे, पूरा वेब सीरीज देख डाली पिक्चर देख रहा। एक सीजन निपटा दिया उसने, 10-12 एपिसोड थे, आधे आधे घंटे के। तो ये इनकी पढ़ाई होती, फिर आप कहते गलत है गलत है गलत है। चलो दोस्तों, वीडियो को यहीं पे समाप्त करता हूँ, नहीं तो वीडियो जो है ना थोड़ा सा लंबा होता जा रहा है और कॉमेडी भी होती जा रही है। तो इसे ज़्यादा शेयर करना अगर आपको अच्छा लगा है तो, और नहीं अच्छा लगा तो भी शेयर करना, ताकि आप भी अपने बच्चों को। दोस्तों मेरा मानना ये है कि क्योंकि आज मेरे चेहरे पर हंसी नहीं हो रही, क्योंकि मैं गुस्से में बैठे हुए हैं और ये कहीं गेम चटका रहे थे बैठे बैठे, तो मुझे बहुत गुस्सा आ रही। तो इसलिए भाई फोन कम दें अपने बच्चों को और पढ़ाई पे ज्यादा ध्यान दें, यही पढ़ने का इनका समय है। पापा आज के टूशन में टेस्ट।